सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सत्य एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते हैं, उसका अंत ही नहीं होता। यदि कोई दुर्लभ व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना तो वीरों का काम है, परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान है तो उसे अवश्य दंड दो। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। आज का पंचांग 25 फरवरी 2021 दिन गुरुवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम 5:19 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 1:17 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:32 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 25 फरवरी 2021 दिन गुरुवार, शिक्षा या यात्रा आपके विश्वासों को नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगी। अगर आप स्वास्थ्य या आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहे हैं तो अभी सीमित महसूस कर सकते हैं। करियर में बदलाव की भी संभावना है, सोचे विचारें और इसके लिए खुद को तैयार करें। माता पिता का स्वास्थ्य आज चिंता का विषय हो सकता है, अपने मामलों को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें। घर ऑफिस और प्रियजनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के साथ अपना भी ध्यान रखें। जीतने वाले वो लोग नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो हारने के बाद भी दोबारा शुरुआत करते हैं। आज भाग्य का सितारा प्रबल होकर आपके रुके हुए कार्य को गति प्रदान करने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर अवश्य ध्यान दें, उनकी सलाह तथा आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा। उचित समय का भरपूर उपयोग करें। वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखने की आवश्यकता होगी। पुरानी बातों में अटके रहने की वजह से आप भावनात्मक रूप से संतुलन महसूस कर सकते हैं, जिसका असर आपके काम पर और निर्णय क्षमता पर भी हो सकता है। आपके अंदर बढ़ रही उलझन को किसी के सामने बोल पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अधिक वक्त एकांत में ना रहें। काम से संबंधित की हुई यात्रा की योजना में अपेक्षा से अधिक देर लग सकती है। पार्टनर और आपके बीच किसी विषय को लेकर ठीक से संवाद बना पाना आपके लिए मुश्किल होगा। सावधानियां, कोई भी नया कार्य अथवा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लें, किसी के बहकावे में ना आए। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है। विवाहित जीवन सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। कोई जान पहचान वाला या भाई का साथी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और जल्द ही आपको सरप्राइज मिल सकता है। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत आपको अपनी पार्टनर की ज्यादा नजदीक ले आएगी। धार्मिक झुकाव के कारण तीर्थ यात्रा का भी प्लान बन सकता है। अपने परिवार और खास लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। जीवन की इस भाग दौड़ में अपने पार्टनर को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर अपने प्यार का इजहार करते रहें और इसके लिए रात के समय में सितारों को देखकर भविष्य के सपने संजोने से बेहतर क्या होगा। बात करते हैं करियर की। इस समय उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का योग है, जो आपके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ ले आएगी। पिता की तरह के व्यक्ति का हर कार्य में समर्थन मिलेगा और नए संपर्क बनेंगे। आने वाली प्रेजेंटेशन और बैठकों की तरफ ध्यान दें,
कीमती सामान के नुकसान या दुर्घटना से बचें। आज आपके काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। महत्वपूर्ण परियोजना या मीटिंग के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। नए बिजनेस से पहले स्थानीय बाजार, प्रतिस्पर्धियों और कीमतों के बारे में अच्छे से शोध कर लें। पुराने मित्रों या जान पहचान वालों से फिर से संपर्क करें और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने कौशल को पॉलिश करें। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपना मन और ध्यान योग में केंद्रित करेंगे ताकि आप बढ़ते वजन पर रोक लगा सकें। आज आपका चेहरा चमकता रहेगा और आपके चेहरे पर हाल ही में जो दाग धब्बे उभर आए थे वो भी आज खत्म हो जाएंगे। आज लोग आपकी त्वचा की तारीफ करेंगे। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।